मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं से भरी बस तमिलनाडु के रामेश्वरम जाते समय पलट गई। हादसे में उज्जैन और धार जिले की एक एक महिला की मौत हो गई जबकि 19 यात्री घायल हैं। इनमें 4 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को मदुरई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत यात्रियों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उज्जैन जिले और इंदौर जिले के यात्रियों की एक बस टैक्सी की भिड़ंत सुबह रामेश्वरम के पास हुई है। मेरी जानकारी में आया कि दो व्यक्तियों की उसमें डेथ हुई है, गंभीर घायल है और अन्य घायल में सभी लोगों के कुशल क्षेम की कामना करता हूँ जो घायल हुए हैं, और मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और मृतक प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 लाख की धनराशि मैंने जिला कलेक्टर के को बताया है कि वो CM फंड से उनकी व्यवस्था करें, और साथ ही साथ एक डिप्टी कलेक्टर को तुरंत घटना स्थल पर रवाना कर रहा हूँ ताकि वहाँ जा कर के इस व्यवस्था में मदद कर सके। मेरी एक बार फिर परमात्मा से कामना है मृतक को वो अपने चरणों में स्थान दे और घायल से भी स्वस्थ हो, बाबा महाकाल से ही कामना है। ओम शांति। भोपाल में एक बच्चे को कुत्ते के काटने से उसकी मौत का समाचार बड़ा हृदय विदारक है। मैंने प्रशासन के अधिकारी से कहा कि इस प्रकार की घटनाओं में पुनरावृत्ति न हो या इनको कैसे रोका जा सकता है, ये बड़ी कठिन स्थिति है। किसी बच्चे को ऐसे हमारे मोहल्ले के कुत्ते काट लें, और जिसमें मैं प्रदेश भर के बाकी इससे जुड़े हुए और बाकी ऐसे इस व्यवस्थाओं को समझने वाले सभी लोगों से सुझाव भी आमंत्रित करता हूँ कि इसका क्या निदान करें वर्तमान व्यवस्थाओं के आधार पर, कि ताकि ये घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन ऐसी घटना में मैं पूर्ण संवेदना के साथ इसी प्रकार से बोरवेल में जहाँ बच्चे गिरते हैं, मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा ऐसे बोरवेल की जानकारी तुरंत जिला कलेक्टर को भी दें ताकि बोरवेल के अंदर भी बच्चे गिर के कभी कोई दुर्घटना का शिकार ना हो। और इस बच्चे के लिए भी वैसे तो जिला कलेक्टर को कहा है कि वो अपनी 4 लाख की मदद इन परिवार को पहुंचाए, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि ये घटनाओं को दोबारा ना होने के प्रबंधन करेंगे। मेरी संवेदना उस परिवार के साथ है जिनके बच्चे के साथ ऐसा।